इस वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने बताई थी फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस बताया था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड जो आफ्टर इफेक्ट है उनके बारे में समझाया था। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली वीडियो के बाद एक वीडियो मैंने बनाई है ग्रीन हाउस गैसेस पे, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस का कितना होता है 100 साल के टाइम पीरियड में, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है फ्रेंड्स? ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा सा मतलब यह है कि ये देखिए आपको यहां पे अर्थ नजर आ रहा है और बाहर एटमॉस्फेयर की एक लेयर नजर आ रही है। सन की किरणें आई, सन की किरणें आपने देखा कि अर्थ की सरफेस से पड़ी, कुछ बाउंस बैक होकर वापस चली गई और कुछ इस एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार। तो सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट, CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म। यानी कि जो हमारा ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये नॉर्मली जितना ठंडा होता इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से उतना ठंडा नहीं है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के सरफेस पे नहीं होता तो इस समय पे जो हमारे प्लैनेट का जो टेम्परेचर वो होता -19 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -19 डिग्री सेल्सियस होता हमारा अर्थ का टेम्परेचर। लेकिन इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते जो प्रेजेंट में हमारा टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लगभग 33 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड हम नॉर्मल से ज्यादा गर्म है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते, हमारे एटमॉस्फेयर के फंक्शन के चलते। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। जब सन की एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाकी स्पेस में चली जाती है, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्रीन हाउस गैसेस उसको अंदर रीरेडिएट करती रहती है। यहां पर हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो भैया वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, SF6 होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ये गैसेस अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट की हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इधर उधर डायरेक्शन में फेंकते हैं। और जैसा कि मैंने आप बताया कि ये प्रोसेस अर्थ के टेम्परेचर को नॉर्मल से 33 डिग्री सेल्सियस गर्म रखता है। यानी कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर होता लगभग -19 डिग्री सेल्सियस, और चूंकि ये 33 डिग्री ठंडा हो रहा है इसके चक्कर में तो हम लोग थोड़ा कह सकते हैं कि स्टेबल रेंज में है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है इस समय पे। आगे हम लोग अगर बस की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात अगर आप लोकल लेवल पे समझना चाहो तो लोकल लेवल पे समझने के लिए आपको कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा। ये देखिए एक आप कह सकते हैं कि एक प्लांट की रिपोजिटरी है, छोटा सा प्लेनेटोर, ये प्लांट्स का एक ग्रुप बना रखा है यहाँ पे, और इसको एक ग्लास के इनक्लोजर के अंदर में रख रखा है। इसको बोला क्या जाता है? तो इसको ग्लास हाउस बोला जाता है, कुछ लोग इसको ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज ग्लास हाउस, आप इसको ग्रीन हाउस भी कह सकते हो। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये फ्रेंड्स, ये बेसिकली उन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे ठंडा ज्यादा पड़ता है, जहां पे कोल्ड क्लाइमेट है। तो होगा क्या कि जब सन रेज आएंगी तो सन रेज इस ग्लास के थ्रू क्रॉस करके इस ग्लास इनक्लोजर के अंदर आ जाएंगी, लेकिन ग्लास इनक्लोजर के अंदर आने के बाद ये जो सरफेस है जब इसको रिफ्लेक्ट करेगी ना, जब ये सरफेस इसको रिफ्लेक्ट करेगी तो जो ऊपर की जो ग्लास सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड रेज को आसानी से एग्जिट नहीं करने देगी, और अंदर की जो हवाएं हैं इस ग्लास इनक्लोजर की वो इस हीट को अलग अलग डायरेक्शंस में फेंकेंगी और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा इस इनक्लोजर के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके लिए। तो ये ग्लास हाउस इफेक्ट है। तो यानी जिन जगहों पे ठंडी ज्यादा होती है वहां पे इस तरीके के ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं जिनको आप ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, आपको ऐसे बहुत से ग्लास हाउसेस मिल जाएंगे, समझ गए? अब यहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए आपको मेन चीज क्या समझनी है, देखिए ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है सन की तरफ, ये हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन है, और हाई एनर्जी होने के साथ साथ इसकी जो वेव लेंथ है वो है शॉर्ट, तो इसकी शॉर्ट वेव लेंथ है फ्रेंड्स, यानी कि कुछ इस टाइप का। तो इसकी एनर्जी हाई है, इसकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट है, ठीक है।
जब ये सोलर रेडिएशन आके अर्थ के साथ हिट करेगा तो अर्थ और ऊपर कुछ क्लाउड्स होंगे, तो देखिए जब ये सोलर रेडिएशन आती है अर्थ की सरफेस पे तो कुछ सोलर रेडिएशन अर्थ आपका रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करेंगे, तो लगभग 30% ऑफ द सोलर रेडिएशन विल मूव बैक टू स्पेस, वो वापस स्पेस में चली जाएगी। लेकिन बात ये होती है कि जितनी भी आपकी ये हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ सन की रेस जब अर्थ को हिट करेंगी, तो अर्थ जब वापस जो रेस को फेंकेगा ना, वो जो वापस जो रेज होंगी वो इंफ्रारेड रेडिएशन होंगी, और ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होगी ना फ्रेंड्स, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर होगी, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी वो छोटी थी, तो ये जो वापस फेंकी जा रही है उनकी वेवलेंथ होगी बड़ी। तो जो सोलर रेडिएशन सन से डायरेक्ट आ गई वो हाई एनर्जी है और शॉर्ट वेवलेंथ है, लेकिन वो सोलर रेडिएशन जिसको अर्थ ने रिफ्लेक्ट किया वो उतनी हाई एनर्जी नहीं है और उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी को जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो अब्सॉर्ब कर लेती हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस उस ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी को इधर उधर रैंडम डायरेक्शंस में फेंकती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट करता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो खास बात यह है कि ग्रीन हाउस गैसेस उस वेवलेंथ वाली एनर्जी को ज्यादा अब्सॉर्ब कर जाती हैं जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और वो डायरेक्ट सनरेज नहीं होती है, वो सनरेज होती है, वो एनर्जी होती है जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। इस ग्लास हाउस में भी फ्रेंड्स यही हो रहा है। ग्लास हाउस में क्या हो रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो सन की रेडिएशन थी उसकी पेनिट्रेशन पावर तगड़ी थी, वो इस ग्लास को चीर के अंदर तो आ गई, लेकिन सरफेस के बाद जब बाउंस बैक हुई वो एनर्जी, तो फिर वो एनर्जी लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में थी, और लॉन्ग वेवलेंथ वाली एनर्जी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फिर से उस ग्लास को चीर के बाहर निकल जाए, तो बहुत सारी इस ग्लास इनक्लोजर में ट्रैप हो जाएगी, और जब वो ग्लास इनक्लोजर में ट्रैप हो जाएगी तो जो ग्लास की हवाएं हैं वो उस एनर्जी को इधर उधर डायरेक्शन में फेंकेगी, तो इन पौधों को एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिल पाएगा। समझ गए दोस्तों? तो ये होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बात किया जाए कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हमको कहीं और देखने को मिलता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको और भी बहुत जगहों पर देखने को मिलता है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को कार्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। कारों में क्या होता है, आपने प्रॉब्ली नोटिस किया होगा कि योर कार इज ऑलवेज मच हॉटर इनसाइड देन द आउटसाइड टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कि बाहर एक कार रखी हुई है, बाहर सर्दी पड़ रही है, लेकिन सर्दियों में भी कभी कभी सन की रेज आती है, तो वो सन की रेज कार के विंडोज के अंदर घुस जाती है, और अंदर घुसने के बाद वो सीट्स उन्हें ऑब्जर्व करता है, डैशबोर्ड ऑब्जर्व करता है, कारपेट ऑब्जर्व करता है, फ्लोर मैट ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जेक्ट हीट्स रिलीज करते हैं, वो जो हीट रिलीज होती है इन ऑब्जेक्ट से वो आसानी से ग्लास को यानी कि कार के ग्लास को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा पाती, इसलिए वो अंदर ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से आपकी कार गर्म हो जाती है। तो गर्मी के समय पे जब आप कार में बैठोगे तो बाहर की गर्मी से ज्यादा आपको कार के अंदर गर्मी लगेगी, और सर्दी के समय पे जब आप बाहर अंदर बैठोगे तो आपको थोड़ा आराम से लगेगा क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, पर जैसे आप कार के अंदर आ जाओगे आपको गर्मी लगेगी। गर्मी क्यों लग रही, वो इस फेनोमिना की वजह से गर्मी लग रही, जिसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने अर्थ को एक हैबिटेबल प्लेस बनाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यही ग्रीन हाउस इफेक्ट अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि अब नेचुरल तरीके से चीजें नहीं हो रही। अब क्या है कि भैया जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं। अब वैसे तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी एक टाइम पे, इन ग्रीन हाउस गैसेस के दम पे ही हमारी जो सर्फेस है अर्थ सर्फेस वो सफिशियंटली वार्म है, हैबिटेबल कंडीशंस बनी हुई है। लेकिन ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के होने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लिंक नीचे दे रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये पूरा इसका एनालिसिस है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लाइक शेयर तो बिल्कुल ही कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ इस टाइप की कि जितने ज्यादा लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स आते हैं उतना ही ज्यादा यूट्यूब के एल्गोरिदम उन वीडियोस को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करती है। तो कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए तो इतना करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय।